में जो है पार्ट नंबर ये 4 है। तो इसमें जो है BOCW एक्ट के महाराष्ट्र रूल 2007 के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र रूल 2007 में चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इसमें बताया गया है, चैप्टर नंबर 4 में है। 2007 चैप्टर नंबर 8 में जो है रूल्स नंबर 47 में आवर ऑफ वर्क, कितने आवर जो है कितना घंटे काम करना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। 2007 में चैप्टर नंबर 10 में जो है जनरल प्रोविजन में रूल्स नंबर 66 में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बताया गया, 50 आर मोर बिल्डिंग वर्कर सेल प्रिपेयर्ड राइट एन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। यह है आपको मैं पहले वाले वीडियो में अपने बता दिया हूँ जो रूल्स नंबर 39 में है 1998 में। महाराष्ट्र रूल 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 67 में दिया है डेंजरस एंड हार्मफुल इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के बारे में दिया है, वातावरण के बारे में दिया है, कीप द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिटवीन 50 पार्ट्स पर मिलियन, तो 50 पार्ट्स पर मिलियन जो है हमको जो है रखना है इन्वायरमेंट का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 68 में दिया है ओवरहेड प्रोटेक्शन के बारे में, हमने जो है 1998 में रूल्स नंबर 41 में भी इसके बारे में बात कर लिए हैं हम लोग। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 68 में दिया है ओवरहेड प्रोटेक्शन के बारे में, इसमें दिया है पेरीफेरी ऑफ एवरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन विच शैल बी ऑफ 15 मीटर आर मोर इन हाइट व्हेन कंप्लीटेड ओवरहेड प्रोटेक्शन रिफर टू इन सब रूल्स 1 शैल नॉट बी लेस देन 2 मीटर्स वाइड एंड शैल बी इरेक्टेड एट ए हाइट नॉट मोर देन 5 मीटर अबव द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड द आउटर एज ऑफ सच ओवरहेड प्रोटेक्शन 150 मिलीमीटर हायर देन द इनर एज देयर ऑफ आर शैल बी इरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ नॉट मोर देन 20 डिग्री टू इट्स हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग इनटू द बिल्डिंग। तो इसमें बताया गया है कि 50 मीटर अगर हाइट होता है बिल्डिंग का तो वहाँ पे जो है सेफ्टी नेट का हमें आवश्यकता होती है, और कम से कम जो सेफ्टी नेट रहेगा या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो रहेगा कम से कम उसका विड्थ जो है 2 मीटर होना ही चाहिए, और यह कम से कम 20 डिग्री में होना चाहिए। अब महाराष्ट्र रूल इसमें जो है 1998 में रूल्स नंबर 41 में भी इसके बारे में बताया है। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 69 में स्लीपिंग ट्रिमिंग कटिंग ड्राइविंग एंड फॉलिंग हैजर्ड के बारे में दिया है, जो हमने 1998 में रूल्स नंबर 42 में बात कर चुके हैं, और 2007 में ही डस्ट गैस एंड फ्यूम के बारे में दिया है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, और 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 74 में इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के बारे में दिया है। 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 75 में व्हीकल ट्रैफिक के बारे में दिया है। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 10 रूल्स नंबर 77 इल्यूमिनेशन के बारे में दिया है, जो हमने 1998 में रूल्स नंबर जो है 125 में जिसके बारे में बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र रूल्स नंबर 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर जो है 18 में नंबरिंग एंड मार्किंग ऑफ फ्लोर के बारे में दिया है कि फ्लोर पे जो है नंबरिंग होना चाहिए। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 19 में ऑपरेटर कैबिन केबिन के बारे में दिया है, और यह जो है 1998 में रूल्स नंबर 63 में भी इसमें दिया है। रूल्स नंबर 92 में होस्ट के बारे में दिया है, और यह जो है 1998 में रूल्स नंबर 65 में भी दिया। 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 93 में फेंसिंग एंड मीन्स ऑफ एक्सेस ऑफ लिफ्टिंग अपीयरेंस, इन केस द हाइट ऑफ सच लैडर एक्सीड 6 मीटर द रेस्टिंग प्लेटफॉर्म आर प्रोवाइडेड ऑन सच लैडर एट एवरी 6 मीटर ऑन इट्स हाइट, द टॉप इंच ऑफ सच लैडर इज मोर देन 2 मीटर्स देन ऑन सच टॉप इंच। तो अगर जो टावर क्रेन है या लिफ्टिंग इक्विपमेंट है कहीं पे लैडर अगर हमको प्रोवाइड करना होता है, लैडर जो दिया जाता है वह 6 मीटर से अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना है, वो इसमें दिया हुआ है। 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर 97 में टेस्ट एंड पीरियडिकली एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग गियर्स, यह जो है 1998 में रूल्स नंबर 56 में भी दिया। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 17 रूल्स नंबर 152,
स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, मटेरियल इज नॉट स्टोर्ड एट लीस्ट 0.65 मीटर फ्रॉम द इज ऑफ एन ओपन एक्सकेवेशन, मटेरियल को जो है 0.65 मीटर से कम डिस्टेंस पर नहीं रखना चाहिए एक्सकेवेशन एरिया में। महाराष्ट्र रूल्स 2007 चैप्टर नंबर 17 में रूल्स नंबर 154 सेफ एक्सेस, स्टेयर आर रैंप आर प्रोवाइडेड इफ एक्सकेवेशन एक्सीड 1.5 मीटर, अगर 1.5 मीटर से अधिक गहरा होता है तो वहाँ पे स्टेयर केस या रैंप या फिर लैडर प्रोवाइड करना चाहिए। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 17 एक्सकेवेशन एंड ट्यूनलिंग वर्क रूल्स नंबर 191 क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर, द सप्लाई ऑफ सच एयर इज मेंटेन्ड नॉट लेस देन 0.3 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन वर्किंग देयर इन। तो जहाँ पे ट्यूनलिंग या फिर एक्सकेवेशन का कार्य चल रहा है वहाँ पर जो है 0.3 क्यूबिक मीटर पर पर्सन के हिसाब से एयर का सर्कुलेशन वहाँ पर होना चाहिए, वह जो है इस जो है चैप्टर में दिया हुआ है। 2007 में ही चैप्टर नंबर 17 में रूल्स नंबर 192 में वर्किंग टेम्परेचर के बारे में दिया है। इसमें दिया है टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड 29 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर मेजर बाय ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब इनसाइड सच वर्किंग चैम्बर वंस इन एवरी आवर। तो इसमें बताया है, इसमें जो है 1998 में रूल्स नंबर 165 में भी हमने बात कर चुके हैं हम, और इसमें जो है टेम्परेचर मापने के लिए ड्राई एंड वेट बल्ब का उपयोग करने के बारे में बताया है। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 25 में रूल्स नंबर 237 में रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट के बारे में दिया है। इसमें दिया है डिसेबल इंजरी 48 आवर आर मोर इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग विद इन 4 आवर, राइटिंग ऑफ सच डेथ शैल बी कम्युनिकेटेड टू द अथॉरिटीज विद इन 72 आवर्स ऑफ सच डेथ। तो इसमें दिया है 48 आवर्स के बाद अगर रिपोर्टिंग कोई होता है तो एक्सीडेंट होता है तो रिपोर्टिंग होना चाहिए, दूसरा जो है अगर फैटलिटी हुआ है तो जो है ये 4 आवर्स के अंदर में जो है इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, और राइटिंग में 72 आवर्स मतलब 72 घंटे के अंदर जो है राइटिंग में इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 28 में रूल्स नंबर 259 में दिया है इमरजेंसी केयर सर्विसेज आर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो इसमें इमरजेंसी जो होती है साइट पे उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें साइट पे क्या क्या इंजरी हो सकती है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हेड इंजरी एंड स्पाइनल इंजरी, ब्लीडिंग हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है एंड डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट्स हो सकता है, क्रश इंजरी हो सकती है एंड इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, डिहाइड्रेशन ड्यू टू एनी काउजेज हो सकता है, स्नैक बीट्स हो सकता है, इंसेक्ट बीट हो सकता है, स्कॉर्पियन एंड बी स्टिंग्स हो सकता है, बर्न हो सकता है इंक्लूडिंग केमिकल बर्न भी हो सकता है, बेंड्स आर डाइवर्स पैरालिसिस भी हो सकता है, ड्राइविंग भी हो सकता है, सन स्ट्रोक भी हो सकता है, ये सभी जो है बिल्डिंग वर्कर के साथ में हो सकता है। तो इसके लिए हमको जो है इमरजेंसी प्रोविजन होना है, ये जो है 2007 रूल्स नंबर 259 में दिया हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र रूल 2007 शेड्यूल नंबर 11 में दिया है, सी रूल नंबर है 257 नोटिफिकेशन ऑक्यूपेशन डिसीज इन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा BOCW एक्ट कंप्लीट हुआ। हमने जो है आप लोगों को चुन चुन के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात किया। अगर और विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको BOCW एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमने शार्ट जो है जो मेन पॉइंट्स थे, मेन चीज़ें थे, उसको हमने जो है आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश किया है। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज इस प्रकार के आपको मिलते रहें। धन्यवाद।